अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी और मैं हूं आदिल हसन। आज शामिल करेंगे सबसे पहले ये न्यूज़ हेडलाइंस। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर हार्ट अटैक के बायस इंतकाल कर गया। मोहम्मद सप्तैन को घर पर रात के वक्त सीने में तकलीफ हुई। मोहम्मद सप्तैन को शेख ज़ायद अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जान भर ना हो सका। पंजाब भर से गुज़श्ता 24 घंटों में पुकार 15 सेंटर में 76,437 एमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई। 4,851 कॉल्स पर बरवक्त रिस्पॉन्ड किया गया, जबकि 56,970 कॉल्स गैर जरूरी करार दी गईं। गुज़श्ता 24 घंटों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 5,036 इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी किए गए। वर्चुअल पेट्रोलिंग अफसरान ने कैमरों की मदद से 885 मशकूक सरगर्मियों की ऑब्जर्वेशन दी। वज़ीरे आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की नेवर अगेन मुहिम के तहत लोहारी गेट पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नशे में बीवी पर तशद्दुद करने वाला खामन गिरफ्तार। लैया पुलिस की बड़ी कामयाबी। गुज़श्ता रात DHQ अस्पताल लैया से अगवा होने वाला कमसिन अयान लैया पुलिस की मुसलसल मेहनत से 5 घंटों में बाजियाब। शाबाश लाहौर पुलिस, शाबाश अकबरी गेट पुलिस ने 6 साल मोहम्मद रजा को सेफ सिटी कैमरों की मदद से तलाश करके वर्षा के हवाले कर दिया। वालदैन का लाहौर पुलिस से इजहार तशक्कुर। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर हार्ट अटैक के बायस इंतकाल कर गया। मोहम्मद सप्तैन को घर पर रात के वक्त सीने में तकलीफ हुई। मोहम्मद सप्तैन को शेख ज़ायद अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जानबर ना हो सका। पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर मोहम्मद सप्तैन को शेख ज़ायद अस्पताल में 2 रोज इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया था। साथी ऑफिसर्स की वफात पर सेफ सिटी ऑफिस की फ़िज़ा सोगवार, MD सेफ सिटीज, COO और दीगर अफसरान की जानिब से मोहम्मद सप्तैन की वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया गया। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मोक रडार के मुताबिक आज मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या रिकॉर्ड किया गया है, जानिए इस रिपोर्ट में। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मोक रडार के मुताबिक इस वक्त मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 146 है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो माल रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 162, पंजाब यूनिवर्सिटी 170 और सेफ सिटीज अथॉरिटी में 155 रिकॉर्ड किया गया। बिलाशुबा स्मोक मुख्तलिफ अमराज का बायस बन रही है, जिनसे बचने के लिए आपको माहिरीन सेहत की इन एडवाइस पर अमल करना होगा। सुबह वॉक पर जाने वाले शहरी स्मोक से बचाव के लिए अपनी रूटीन में तब्दीली लाएं। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क और चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। दिल या दमे के मरीज, बूढ़े अफराद और बच्चों को स्मोक से बचाने के लिए ज्यादा एहतियात करें। रोजमर्रा रूटीन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। घर में सफाई के लिए पानी और गीला कपड़ा जरूर इस्तेमाल करें और कूड़े को हरगिज़ आग ना लगाएं। ये स्मोक में इजाफे की सबसे बड़ी वजह है। आइए हम सब मिलकर अपने माहौल को साफ रखें और स्मोक फैलाने वालों की इत्तला 15 पर दें। साफ माहौल, महफूज लाहौर। लोहारी गेट पुलिस ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की नेवर अगेन मुहिम के तहत कार्रवाई करते हुए नशे में बीवी पर तशद्दुद करने वाला खावंद गिरफ्तार कर लिया। लोहारी गेट पुलिस ने इत्तला मिलते ही फौरी रिस्पॉन्स किया और खावंद को गिरफ्तार किया। खावंद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। गुज़श्ता रात DHQ अस्पताल लैया से अगवा होने वाला कमसन अयान लैया पुलिस की मुसलसल मेहनत से 5 घंटों में बाजियाब करवा लिया गया। अगवा कार खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। कमसिन अयान को पीर जंगी के नवाही गांव से बाजियाब करवाकर माँ बाप के हवाले किया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि पंजाब पुलिस बच्चों, खवातीन और माशरे के महरूम तबकात के साथ होने वाले जरायम के हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाए हुए है। ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी और पंजाब पुलिस के सोशल मीडिया पेजेस।